आप सबको मेरी नमस्ते। इंडियन देसी कुकिंग में आपका स्वागत है। आज बनने जा रही है करेले की चटपटी कुरकुरी और बिना कड़वी सब्जी, तो जो बहुत ही अच्छी लगती है, सभी को पसंद आएगी। तो चलिए उसे बनाना करते हैं स्टार्ट। तो इसके लिए ये देखिए, हमने ले लिए करेले। तो करेलों को धो लिया है और बहुत ही ताज़े वाले करेले हैं जी। ये देखिए एकदम से हरे हरे से दिख रहे हैं और ये एकदम ताज़े हैं, इसलिए मैंने इनको ऊपर से छिलके वगैरह बिल्कुल नहीं इनके उतारने, क्योंकि वो ही साथ में बनाने हैं। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सा काट लेना है। अभी इनके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। तो ये एक मैंने बड़ी सी कढ़ाई ले ली है, तो इसमें इस तरह से गोल गोल इनके पीसेस कर लेने हैं। करेले इतने ताज़े हैं कि इनमें बीज किसी किसी करेले में से निकले हैं, नहीं तो इनमें अभी तक बीज भी नहीं हुए हैं। तो फटाफट से कट जा रहे हैं, इतने सॉफ्ट हैं ये। तो इसी तरीके से सभी करेलों को हमने काट लेना है। तो सभी करेले हमने काट लिए। तो अभी हमने इनको रखना आधे घंटे के लिए, लेकिन उससे पहले इसके अंदर हमने मिलाना है नमक। तो ये एक चम्मच भर के नमक का डाल देना है, ऊपर तक भरा हुआ है जे। और ऊपर से डाल देना है आधा नींबू का रस। तो नींबू और नमक मिलाने से जो भी करेलों में पानी है कड़वा वाला, वो सारा बाहर निकल आएगा। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना। तो जब तक ये जो नमक दिख रहा है सामने, ये घुल नहीं जाता, इनको मिक्स करते रहना। इससे नमक भी अच्छे से मिल जाएगा और खटाई है जो, वो भी करेलों के अंदर अच्छे से चल जाएगी, तभी सारा कड़वापन इनका बाहर आ जाएगा फिर। तो ये अच्छे से हमने मिला ली है। अभी इनको हम ढक देते हैं और आधे घंटे के बाद अभी इन्हें चेक करते हैं। आधा घंटा हो गया, तो ये देखिए इतना सारा पानी निकल गया। लेकिन अभी हमने थोड़े थोड़े से करेले लेके एकदम से दम लगाते हुए हाथों से, तो पूरा जो पानी इसके अंदर है वो भी सारा निकाल लेना है निचोड़ के। ये देखिए इसी तरीके से और भी ले लेने हैं मुट्ठी भर के। ये देखिए कितना ज़्यादा पानी अभी भी करेलों के अंदर है। तो इसी तरह से हमने सभी करेलों को अच्छे से निचोड़ लिया और जो भी पानी है वो सारा निकाल दिया। अभी हमने इसके अंदर मिला देना एक चम्मच भर के बेसन का। बेसन मिलाने के बाद अच्छे से मिक्स कर देना पूरे करेलों को। तो बेसन मिलाने से क्या होगा, थोड़ा सा क्रंचीपन आएगा जब इसे हम पकाएंगे उसके बाद सब्जी में। अच्छे से मिला लेना इसको। तो अच्छे से हमने बेसन को मिला लिया। अभी चलते हैं गैस पे, हमने रख दिया कढ़ाई और कढ़ाई में दो बड़े चम्मच भर के डाल दिया तेल। तेल गर्म हो गया, ऊपर से डाल दिया एक चम्मच जीरा। जीरा भी हो गया। अभी हमने जो करेले रखे हैं उन सबको डाल देना। तो सारे करेले हमने डाल दिए। अभी इन्हें 3-4 मिनट के लिए, कोई भी और मसाला नहीं ऐड करना, पहले अच्छे से फ्राई कर लेना इस तरीके से। तो इससे करेले काफ़ी क्रंची बनेंगे। तो अगर पहले ही साथ में ही मसाला डाल देते तो फिर इतने क्रंची करेले नहीं बनते। तो पहले करेले डालने से यही बेनिफिट रहता है। तो गैस की फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है। तो हमने 3-4 मिनट तक इसको अच्छे से पका लिया, अभी खुले में ही, ढका नहीं है। अभी हम डाल देते हैं आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे करेलों का कलर तो अच्छा आएगा, बहुत ज़्यादा तीखे करेले नहीं होंगे क्योंकि ये कम तीखी मिर्च होती है। तो एक चम्मच भर के डाल दी हमने कश्मीरी लाल मिर्च। आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा हमने डाल दी कलौंजी, तो ये भी करेलों के अंदर बहुत ही अच्छी लगती है। आधा चम्मच हमने डाल दिया धनिया पाउडर, आधा चम्मच हमने डाल दिया जीरा पाउडर, आधा चम्मच हमने डाल दिया सौंफ का पाउडर, जो दरदरी सी कुटी हुई सौंफ वो डाल दी, वो भी अच्छी लगती है करेलों के अंदर। और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम डाल दिया गरम मसाला। और अभी हमने जो एक चीज़ डालनी है
वो है नमक। तो नमक पहले भी करेलों में मिक्स किए इसलिए आधे चम्मच से थोड़ा सा कम ही डाला मैंने। आधा नींबू का रस हमने ऊपर से अभी मिला दिया, तो आधा नींबू का रस हमने पहले मिलाया था, तो कुल मिला के एक नींबू का रस इसमें पड़ गया। तो अभी इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना और 3-4 मिनट तक अच्छे से पका लेना। तो इन करेलों में से कड़वापन तो सारा निकल चुका है, तो बहुत ही अच्छे लगेंगे जो खाने में। तो 3-4 मिनट तक हमने अच्छे से पका लिया। अभी हमने क्या करना है, इसको ढक देना है, कम गैस कर देनी है और ऊपर से ढक के 2-3 मिनट तक ढक के ही रखना है इनको, ज़्यादा देर नहीं रखना। तो अभी 2-3 मिनट ढके हुए हो गए हैं, तो करेले बहुत ही अच्छे से और बहुत क्रंची से बने हैं। आपको जितने भी करेलों को क्रंची बनाना है उतनी देर ही आप इनको ज़्यादा रख सकते हो कम आंच पे। गैस की जो फ्लेम है वो ज़्यादा नहीं करनी, बिल्कुल कम पे रखनी है और इन्हें इसी तरह से अच्छे से क्रंची होने देना है जितने आपको अच्छे लगते हों। तो हमने अच्छे से करेले क्रंची कर लिए। अभी हमने इसके अंदर एक चीज़ और ऐड करनी है, तो 1 चम्मच भर के हमने ऐड कर दी शक्कर। तो चीनी भी डाल सकते हो आप इसकी जगह, थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हो, लेकिन हमने शक्कर को ऐड किया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। तो इससे क्या होगा कि नींबू डाला और ऊपर से शक्कर डाली है, तो खट्टा मीठा सा टेस्ट आएगा और कड़वापन तो वैसे भी नहीं है इन करेलों में, तो बहुत ही टेस्टी और अच्छे सी सब्ज़ी बनेगी, तो बच्चों को भी पसंद आएगी, तो आप ज़रूर ट्राई करना। तो ये देखिए अच्छे से शक्कर हमने मिक्स कर लिया। तो अभी हमने गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। अभी हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो बड़ी ऐसी रेसिपी रेडी है, बहुत ही टेस्टी लगती है, तो आप ज़रूर ट्राई करना और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ऊपर से धनिया डालना बिल्कुल मत भूलना।